बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि FATF क्या है और ग्रे लिस्ट में शामिल होने से क्या नुकसान होगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक बैनुल हकूमती इदारा है जिसका क्याम 1989 में अमल में आया था। इस इदारे का बुनियादी मकसद ये है कि बैनुल अक्वामी मालियाती निज़ाम को दहशतगर्दी, काले धन को सफ़ेद करने और इस किस्म के दूसरे खतरात से महफूज रखा जाए और इस मकसद के लिए कानूनी, इंजबाती और अमली इकदाम किए जाएँ। इस तंजीम के 39 अरकान हैं जिनमें अमरीका, बरतानिया, चीन और इंडिया भी शामिल हैं। अलबत्ता पाकिस्तान इस तंजीम का रुकन नहीं है। इस इदारे की वेबसाइट के मुताबिक ये एक पॉलिसी साफ इदारा है जो सियासी अज़्म पैदा करने के लिए काम करता है। इसके अरकान का इजलास हर 3 वर्ष बाद होता है जिसमें यह देखा जाता है कि इसकी जारी करदा सिफारिशात पर किसी हद तक अमल दरामद हो रहा है या नहीं। 9/11 के बाद FATF की खास तवज्जो दहशतगर्दी के लिए रकूम फ्राहम करने को रोकना हो गया है। ये इदारा मुख्तलिफ मुल्कों के कवानीन पर भी नज़र रखता है और इनमें हामियों को दूर करने के लिए मशवरे देता है। सन 2000 के बाद से FATF वक्तन फवक्तन एक फहरिस्त जारी करता है जिसमें उन मुल्कों के नाम शामिल किए जाते हैं जो इसके ख्याल में काले धन को सफ़ेद करने और दहशतगर्दी की माली पुश्त नहीं से रोकने की सिफारिशात पर अमल पैरा नहीं होते। इन शरायत पर अमल दरामद के लिए 200 से ज़्यादा ममालिक पाबंद हैं। FATF की सिफारिशात या FATF की तैयार करदा मेयारात हैं जो मुनज़्ज़म जराइम, बदअनवानी और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुतफिका आलमी रद्द अमल को यकीनी बनाते हैं। इसके अलावा गैरकानूनी मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दीगर जराइम में मुलविस जराइम पेशा अफराद को रोकने में मदद करते हैं। FATF बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की माली इयानत रोकने के लिए भी काम करता है। किसी मुल्क को ज़ेरे निगरानी यानी ग्रे लिस्ट में रखने या ना रखने का फैसला FATF का एक ज़ेली इदारा इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप यानी IORG करता है। किसी भी मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 39 अरकान में से 12 की हिमायत दरकार होती है। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि ग्रे लिस्ट में शामिल होने से क्या नुकसान होगा। वैसे तो इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन बैनुल अक्वामी सतह पर साख मुतासिर होती है और किसी हद तक बैंकों को नए रवाबित बनाने में दुश्वारी होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।